हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मल्टीटेक सानवी। कैसे हैं आप लोग? अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उससे क्या होगा कि आपको हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डाले हैं एक्सरसाइज 2A का ऑल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फ्रैक्शन चैप्टर का। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 2B का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो 1 में स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है? 3/5 × 7/11। इसको सिंपल वाला क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 21 और 5 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 55। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? 1 का 2 में आते हैं, 5/8 × 4/7। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कटेगा तो काट भी देना है। ठीक है, कटेगा तो काट भी देना है और नहीं तो मल्टीप्लाई। देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो क्या हो गया 5/2 और इधर 1/7। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 1 = 5 और 7 × 2 = 14। जहां कटेगा वहां काट भी देना है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में। 3 क्या कह रहा है? 4/9 × 15/16। क्लियर है? ये भी कट रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। तो क्या बच गया? इधर बच गया 1/3 × 5/4, तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5 और 4 × 3 = 12 आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th में। 4th में है 2/5 × 50। ठीक है, नीचे कुछ नहीं रहे तो हेल्पिंग के लिए आप 1 डाल सकते हैं, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो क्या बच गया 2/1। देखिए, हम बच्चा के जैसा समझा रहे, ये नहीं कहेगा कि मैम को नहीं, बच्चा के जैसा समझा रहे ताकि आप लोग का डाउट एकदम क्लियर रहे। क्लियर है? क्या हो जाएगा ये, 3 × 2 = 6 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 8/15 × 20। इसको नीचे 1 डाल दीजिए हेल्पिंग के लिए, काट दीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, तो क्या हो जाएगा, 8/3 × 4/1। इसको काट दीजिए, 8 × 4 = 32 और 3 × 1 = 3। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए और नहीं तो बस इसको डाल दीजिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है तो डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 whole 2/3 आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 6 में। 6 क्या कह रहा है, 5/8 × 1000। 1000 नीचे डाल दीजिए, इसको काट दीजिए, इधर हो गया 2 और इधर हो गया 5, हो गया ना 500, फिर इधर हो गया 1 और इधर हो गया 2, 5 और 0। क्लियर है? तो अब क्या बच गया, इधर बच गया 5/1 × 250/1, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, 625। कितना आ जाएगा, 625 आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 7 में। 1 का 7 क्या है, 3 whole 1/8 × 16। तो होल में है तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 8 × 3 = 24 1 25/8 × 16/1 लिख सकते हैं। क्लियर है? काट दीजिए, 8 × 1 = 8 8 × 2 = 16। क्या बच गया, 25/1 × 2/1 = 25 × 2 = 50 आंसर। क्लियर है? एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, हम डायरेक्ट वहां पे भी कह सकते हैं कि 50 आंसर है, बट एकदम पूरा फुल्ली सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, 2 whole
4/15 इंटू 12, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 15 × 2 = 30, 4 = 34/15, अगुने 12/1, क्लियर है। अब इसको काट दो, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, ठीक है। 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, क्या बच गया, 34/5 इंटू 4/1, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, नीचे आ गया 5, और 4 × 4 = 16 कैरी 1, 4 × 3 = 12 = 1 = 30। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में डाल दो, 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35 whole 1/5, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में मेरा ही नंबरिंग का प्रॉब्लम हो गया था, तो 3 whole 6/7 इंटू 4 2/3, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 7 × 3 = 21 और 21 में 6 जोड़ेंगे, 27/7, ठीक है, इंटू 4 × 3 = 12 और 2 = 14/3, कटेगा काट दीजिए, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 और 3 × 3 = 3, 9 × 27, तो क्या आ जाएगा आंसर, 9 × 2 = 18, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में, 1 का 10, 10 में क्या कह रहा है, सेम ही प्रोसेस है, प्रोडक्ट ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 whole 1/2 इंटू 1 whole 9/19, क्लियर है। तो अब इसमें क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 9 × 2 = 18, 1 19/2 इंटू 19 और 19 में 9 ऐड करेंगे तो 28/19, क्लियर है। काट दीजिए 19 से 19, 2 × 1 = 2 और 14 × 2 = 28, आंसर कितना आ जाएगा, 14, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 11 में, 11 क्या है, 4 whole 1/8 इंटू 2 whole 10/11, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 8 × 32 एक 33, मतलब 33/8 इंटू 11 × 2 = 22 और 22 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 32 by 11 कट जाएगा, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, 8 × 32 मतलब 4, तो क्या बच जाएगा इधर, 3/1 इंटू 4/1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 में क्या है, 5 whole 5/6, 5 whole 5/6 इंटू 1 whole 5/7, तो इसको क्या कर दीजिए, इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 5 × 6 = 30 और 30 में 5 जोड़ लेंगे, 35/6 इंटू 7 × 1 = 7 और 7 में 5 जोड़ लेंगे तो 12/7 हो जाएगा ना, काट दीजिए, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5 इंटू 2 × 1 = 2 इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई, क्योंकि बिल्कुल सिंपल होता है इसलिए ये क्या है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आ जाते हैं, 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/35, इसमें देखिए काट छाट पूरा है, काट छाट कर दीजिए, सही से काट छाट करिएगा, आंसर आपको आ ही जाएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, 3 × 1 = 3 और 11 टाइम्स में 33, क्लियर है। यहाँ पे भी वही बात, 1 टाइम्स में 2 और 11 टाइम्स में सॉरी 22 टाइम्स में 44, क्लियर है। 5 × 1 = 5 और 5 × 7 = 35,
इलेवन वन जा इलेवन, इलेवन टू जा 22, क्या बच गया बाबू? देखिए 1/1 इंटू 1/2 इंटू 1/7, बता दीजिए आंसर कितना आ जाएगा? 1/14, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, सेकंड का सेकंड में, 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36, एकदम काट छाट है, काट छाट सही कीजिएगा, आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। देखिए मजा आता है ना, एकदम बनाने में मजा आएगा, इसमें एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बच गया? 1/1 इंटू 1/4 इंटू 1/1, क्लियर है? बस आप लोगों को समझने के लिए इतना हम करते हैं, नहीं तो आंसर एकदम क्या आ जाएगा? 1/4 आंसर, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 10/27 इंटू 28/65 इंटू 39/56, काट दीजिए इसको, 10 से काट दीजिए, या देखिए इसको काटिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्लियर है? 13 1 जा 13, 13 3 जा 13 है ना, आएगा ना 33 39, ठीक है? 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, क्लियर है? फिर काटिए 2 1 जा 2, और ये काटिए 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और ये काट दीजिए 28 से 28, क्या बच गया बाबू? 1/9 इंटू 1/1 इंटू 1/1, इट मीन्स आंसर 1/9 इज आंसर। देखिए कितना इजी है ना, इजी। अब आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4, बहुत इजी है, इससे इजी मेथड क्या हो सकता है बताइए अब आप लोग। क्या है? 1 होल 4/7 इंटू 1 होल 13/22 इंटू 1 होल 1/15, ठीक है? पहले इसको इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 7 1 जा 7, और 7 में 4 जोड़ दीजिए, 11/7 इंटू 22 1 जा 22, और 22 में 3 जोड़ दीजिए तो, सॉरी 22 में 13 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 और 35/22 इंटू 15 1 जा 15 16/15, क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये होगा ना, 22 में 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 35, क्लियर है? अब इसको काट दीजिए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, क्या आ जाएगा आंसर? 8/3, और मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो 2 होल 2/3 आंसर, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में, क्वेश्चन नंबर 5th, 2 होल 2/17 इंटू 7 होल 2/9 इंटू 1 होल 33/52, क्लियर है? कर लीजिए, 17 दुनी 34, 34 में 2 जोड़ दीजिए, 36/17 इंटू 9 7 जा 63 और 2 65/9 इंटू 52 1 जा 52 और 52 में 33 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 85/52, क्लियर है? काट दीजिए, 17 1 जा 17, 17 5 85, 85, क्लियर है? 9 चौक 36, 4
क्लियर है। उसके बाद काट दीजिए इसको, टू टू जा फोर, ये फोर से कट जाएगा, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, और फोर थ्री जा ट्वेल्व, थर्टीन वन जा थर्टीन, थर्टीन फाइव जा सिक्सटी फाइव। क्या बच गया बाबू? इधर बच गया वन बाई वन इंटू फाइव बाई वन इंटू फाइव बाई वन, इट मीन्स 25 आंसर है ना, 25 आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर टू का, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर टू का क्वेश्चन नंबर सिक्स, थ्री होल वन बाई सिक्सटीन, थ्री होल वन बाई सिक्सटीन, सेवन होल थ्री बाई सेवन इंटू वन होल 25 बाई 39। क्लियर है, कर दीजिए, 16 थ्री जा 48 और 1 49 बाई 16, 7 सेवन जा 49 और 3 52 बाई 7। क्लियर है, इंटू 31 वन जा 31 और 39 वन जा 39 और 39 में 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 3 2 5 1 64, कितना हो जाएगा 64 बाई 9। अब काट दीजिए आराम से, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 16 चौक 64, ठीक है, 16 4 जा 64। और काटिए, 3 से काट दीजिए इसको, 3 नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये क्या तेरह चौबीस तेरह चौ बावन, थर्टीन के टेबल तेरह चौ तेरतिया उनचालीस और तेरह चौ बावन कट जाएगा ना। अब क्या बच गया, सेवन बाई वन इंटू फोर बाई वन इंटू फोर बाई थ्री। क्लियर है, अब इसको जोड़ दीजिए, सात चौ अट्ठाईस और अट्ठाईस चौक ट्वेंटी एट को एट से फोर से, अट्ठाईस चौक आठ चौक बत्तीस के दो हाथ में तीन और चार दूनी आठ नौ दस ग्यारह, मतलब 112 बाई तीन है ना, 112 बाई तीन। और इसको क्या करिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 37 होल 1 बाई 3 आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू फिनिश। अब आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री में, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, फाइंड इट, फाइंड करना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है, तो कर दीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री, वन बाई थ्री ऑफ 24, फाइंड इट, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, फर्स्ट थ्री का फर्स्ट कर रहा है, वन बाई थ्री ऑफ 24, इसका मतलब क्या होगा, ऑफ मतलब तो गुना होता है, मीन्स मल्टीप्लाई होता है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 बाई वन, तो थ्री एट जा 24, कितना आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड, सेकंड बोल रहा है थ्री बाई थर्टी फोर, थ्री थ्री बाई फोर ऑफ 32, सॉरी, ठीक है, इसका भी एकदम सिंपल लॉजिक है, थ्री बाई फोर इंटू 32, तो काट दीजिए, फोर एट जा 32, तो एट थ्री जा 24 आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड में, थ्री का थर्ड, थ्री का थर्ड क्या है, फाइव बाई नाइन ऑफ 45, सिंपल, ये सब तो बहुत इजी है, तो फाइव बाई नाइन इंटू 45 काट दीजिए, फोर फाइव नाइन फाइव जा 45 और फाइव फाइव जा 25 आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्थ का, थ्री का फोर, थ्री का फोर है सेवन बाई फिफ्टी, सेवन बाई फिफ्टी ऑफ 1000, 1000 ही है ना, यस 1000 कर दीजिए, सेवन बाई फिफ्टी गुने 1000, ये जीरो से ये जीरो पहले काट दीजिए, तो कट फाइव टू जा टेन मीन्स 20, तो कितना हो जाएगा, सेवन इंटू 20 कीजिएगा तो 140। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग टू बाई ट्वेंटी फिफ्थ में,
टू बाई 20 ऑफ इतना 10 20, तो क्या कर लेंगे 2/20 गुने 10 20 बाय 1। क्लियर है? ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 5 1 5 और 5 2 10 2 2 102। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 में। 6 क्या कह रहे हैं, 5/11 5/11 ऑफ रुपीज 220 ऑफ रुपीज 220, तो इसको कर लीजिए 5/11 इंटू 220/1 काट दीजिए, 11 2 22 मीन्स 20 और 5 2 10 मीन्स 100। आंसर क्लियर है? इस आंसर पे थोड़ा डाउट है हमको, आप लोग देखिएगा बताइएगा इस पे कि क्या है, क्योंकि बुक का आंसर कुछ और आ रहा है, तो हो सकता है बच्चे कमेंट करें कि आंसर नहीं आ रहा है, बट मैंने फिर से भी रीचेक किया, देखिए जीरो से जीरो काट दिए, ठीक है, और उसके बाद फिर काटिए तो वही आता है, बाकी देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 क्या कह रहा है, 4/9 ऑफ 54 4/9 ऑफ 54 मीटर, ठीक है, 4/9 ऑफ 54 मीटर, तो इसको क्या करेंगे बताइए, 5th 6th और ये 7, ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, 4/9 इंटू 54/1, तो 9 6 54 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 24 मीटर। आंसर क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, हम लोग 8 में। 8 थोड़ा नंबरिंग की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। 6/7 ऑफ 35 लीटर 6/7 ऑफ 35 लीटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6/7 इंटू 35, तो 7 5 35 और 6 5 30 30 लीटर। आंसर क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 1/8 9 में आते हैं, क्या है, 1/6 ऑफ एन आवर 1/6 ऑफ एन आर, ठीक है, इसको क्या करेंगे, 1/6 इंटू आर है तो इसको 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो काट दीजिए 6 1 6 और 6 10 16, तो कितना हो जाएगा, 10 आर हो जाएगा, मतलब 10 मिनट हो जाएगा, आर है ना तो मिनट में कन्वर्ट कर दिए तो 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 आर इक्वल टू 60 मिनट होता है ना, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये तो आपका आंसर हो गया, 1 आर इक्वल टू 60 मिनट होता है ना, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, 5/6 ऑफ एन ईयर 5/6 ऑफ एन ईयर 10 में 5/6 ऑफ एन ईयर, तो क्या होगा, एक साल में कितना मंथ होता है, मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 मंथ होता है, तो 5/6 इंटू 12/1 काट दीजिए, 6 2 12 5 2 10 आंसर 10 मंथ हो जाएगा। क्लियर है? मंथ यहाँ पे लिख लीजिएगा, मंथ, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट 11 में, 11 है 7/20 ऑफ एन केजी 7/20 ऑफ ए केजी, तो एक केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, पता है आप लोगों को, तो 1000 में ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो 7/20 इंटू 1000, ठीक है ना, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, आप लोग बच्चे में पढ़े ही होंगे, इसको काट दीजिए, कट गया 2 1 2 2 5 10, तो क्या हो गया 50, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 5 35 350 ग्राम। आंसर क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग
ट्वेल्व में, ट्वेल्व ट्वेल्व क्या कह रहा है नेक्स्ट, ट्वेल्व में नाइन बाई ट्वेंटी ऑफ अ मीटर, नाइन बाई ट्वेंटी ऑफ अ मीटर, तो एक मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर होता है ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो नाइन बाई ट्वेंटी इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर काट दीजिए, टू फाइव जा टेन और नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव सेंटीमीटर आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्टीन, थ्री का थर्टीन क्या है, सेवन बाई एट ऑफ अ डे, सेवन बाई एट ऑफ ए डे, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है बताइए आप लोग, एट इंटू ट्वेंटी फोर है ना, ट्वेंटी फोर आवर्स होता ना, काट दीजिए, आठ त्रिक चौबीस मतलब सात या इक्कीस, ट्वेंटी वन आवर्स आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग थर्टीन का थ्री का फोर्टीन में, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है, थ्री बाई सेवन ऑफ अ वीक, थ्री बाई सेवन ऑफ ए वीक, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्री बाई सेवन ऑफ एक वीक में कितना डेज होता है, तो सेवन डेज होगा, तो क्या करेंगे इंटू सेवन कर देंगे, इंटू सेवन काट दो, वन थ्री वन जा थ्री आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्टीन में, नेक्स्ट फिफ्टीन में लीटर में बोल रहा है, सेवन बाई फिफ्टी ऑफ अ लीटर, सेवन बाई फिफ्टी ऑफ ए लीटर, ठीक है, सेवन बाई फिफ्टी ऑफ अ लीटर, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सेवन बाई फिफ्टी इंटू वन लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर होता है बताइए आप लोग, लीटर इक्वल टू कितना होता है, थाउजेंड मिलीलीटर होता है, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, फाइव टू जा टेन ट्वेंटी, और सेवन को मल्टीप्लाई कीजिए, सेवन टू जा फोर्टी, वन हंड्रेड फोर्टी मिलीलीटर आंसर, क्लियर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री समाप्त। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर थ्री तक किए हैं, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होगा जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर टू फिफ्टीन जो कि वर्ड प्रॉब्लम होगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।